मैगी भी क्या कमाल की चीज है यार, 2 मिनट में इतने रिच फ्लेवर्स, इतना मेजमराइजिंग टेक्सचर, वाह मैगी। वेट, फोर्क तो लाना भूल ही गया। अरे यार तरुण, ये तो मैगी है। नहीं, ये तो अमृत है। वेट, अगर किसी ने भी मेरी मैगी के ऊपर हाथ लगाया तो? और अगर दोनों ने लगाया तो? वाओ तरुण, यू आर सो स्मार्ट। फिर तो चंगा। मैं। जब फूड के लिए 3 नौजवानों के बीच हुई जंग, हुई वॉर, तो आज के इस एनिमे का नाम भी होगा फूड वॉर। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों का दोस्त कृषाण, और आप लोगों का फिर से स्वागत है एनिमे टीम टॉक्स के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। वेल गाइस, जब भी तुम लोगों को कोई पूछता है कि यार शोनेन एनिमे के बारे में कुछ बताओ, तो तुम लोगों के दिमाग में क्या आता है? एक आदमी जो चिल्ला रहा है, एक लड़का जो जीरो से हीरो बनता है, एक बिगड़ैल बच्चा जिसको कोई पसंद नहीं करता, और अंत में वो सबका फेवरेट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर हर शोनेन एनिमे में एक चीज हमेशा प्रेजेंट रहती है, पावर, चाकड़ा, की, एनर्जी, मैजिक। और अगर इन सब चीजों के बीच में मैं कुकिंग बोलू तो ये बहुत ही लेम लगता है सुनने को। लेकिन गाइस, आज का हमारा जो एनिमे है वो इसी बारे में है, एक शोनेन एनिमे जो कुकिंग को लेके है। जी हाँ दोस्तों, इस एनिमे का नाम है फूड वॉर्स। और हमारे मैजिक सोर्ड बॉय, पावर पंचिंग बॉय, ये सब होने के बावजूद भी ये एनिमे इतना फेमस क्यों है? आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन इस एनिमे के बारे में अच्छी कुछ चीजें बताने से पहले तुम लोगों को जान लेना होगा कि इस एनिमे का स्टोरी लाइन क्या है। तो छोटा सा स्टोरी लाइन और सिनॉप्सिस तुम लोगों को बताना पड़ेगा, उसके लिए एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट। फूड वॉर्स या सुकुगेकी नो सोमा एक लड़के के बारे में है जिसका नाम सोमा युकिहिरा। वो अपने डैड के साथ मिलके एक फैमिली रेस्टोरेंट चलाता है, और बचपन से लेके उसको कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। उसके नजर में उसके पिता ही सबसे बढ़िया शेफ है, और वो हमेशा से यही ड्रीम करता है कि एक दिन आएगा जब कुकिंग में वो अपने पिता को भी हरा देगा। लेकिन सोमा का पिता फिर अचानक से गायब हो जाते हैं, और सोमा से ये कह के जाते हैं कि अगर उसको अपनी कुकिंग स्किल्स को और बेहतर करना है तो वो जाके टोट्स की एकेडमी में भर्ती हो जाए। टोट्स की एकेडमी एक एलीट कुकिंग स्कूल है जिसने दुनिया भर के कुछ महान शेफ्स को जन्म दिया है। और टोच की एकेडमी में आके सोमा की मुलाकात होती है मेनली 3 तरीके के लोगों से। कुकिंग प्रोडोजेस, जो कि जन्म से एक शेफ के सबसे बेहतरीन खूबियों को लेके जन्मे हैं। सेकंड तरीके के लोग हैं आइडियोलॉजिकली पावरफुल बंदे जिन्हें खुद को साबित करके दिखाना है। और तीसरे हैं अमीर बिगड़ैल बच्चे, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसे कि कोई भी स्कूल और मैजिक एनिमे में देखा जाता है कि वहाँ पे ड्यूएल होते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भी एक ड्यूएल है, लेकिन वो सिर्फ ड्यूएल नहीं है, एक कुकिंग फेस ऑफ है, और इसको ही कहते हैं फूड वॉर या फिर शोकुगेकी। गाइस, फूड वॉर्स एकमात्र ऐसा एनिमे नहीं है जो कुकिंग को लेके है, ऐसे एनिमे बहुत सारे बने हैं। लेकिन फूड वॉर्स इतना सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि दो बहुत ही अनमोल एनिमे जॉनर को ये बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है। एक जॉनर है शोनेन और दूसरा जॉनर है एची। डिस्पाइट बीइंग अ वेरी गुड शोनेन एनिमे, फूड वॉर्स इज अपेरेंटली द टॉप रैंक्ड एची एनिमे। गाइस, वेल एची एनिमे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फूड वॉर्स इतना स्पेशल क्यों है? इट्स बिकॉज द टाइमिंग ऑफ शोइंग द एची एलिमेंट और फैन सर्विस। किसी भी कुकिंग एनिमे में ओवर द टॉप रिएक्शन हमेशा से एक स्टीरियोटाइप रहा है, लेकिन फूड वॉर्स इस एची एलिमेंट को उसमें ब्लेंड करता है और एक बहुत ही आई कैंडी रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जो कि काबिले तारीफ है। और इसी एची एलिमेंट को इतने कमाल की तरीके से यूज करने के लिए मैं मांगा ऑथर यूतो सुकाडा और एनिमे के डायरेक्टर योशितोमो योनेतानी को बेहद शाबाशी देना चाहूंगा। भाई, तुम लोगों ने हमारी लाइफ बना दी। तो अब ये तो हो गई बाहर की बात है, लेकिन ये एनिमे शोनेन एनिमे है, तो फिर क्या शोनेन एनिमे के ट्रेट्स इस एनिमे में है? जी बिल्कुल है। जैसे कि कोई भी शोनेन एनिमे में सिर्फ हाथ पैर नहीं लड़ते, लड़ती है आइडियल्स और इमोशंस, वैसे यहाँ पे भी वैसा ही है। कुकिंग सिर्फ एक मीडियम है, असली क्लैश तो आइडियोलॉजीज के बीच में होती है। किसी एक से खुद को बेटर प्रूव करने की ये जो चाहत होती है, यही शोनेन एनिमे का एक की एलिमेंट है, और शोकुगेकी नो सोमा में ये भरपूर मौजूद है। अब गाइस, बात करते हैं इस एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है सोमा। और क्या सोमा एक आइडियल शोनेन एनिमे प्रोटैगनिस्ट है? जी हाँ बिल्कुल है। वो हार मानने से इनकार करता है, अपने दुश्मनों को कभी भी छोटा नहीं समझता, अपने दोस्तों के बारे में हमेशा केयर करता है, और अपना एक खुद का ड्रीम लेके चलता है। और गाइस, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इस एनिमे के बहुत बढ़िया हैं। इस एनिमे के कैरेक्टर्स में एक बहुत ही यूनिक चीज मुझे ये लगती है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में हम लोगों को नहीं पता चलता। तो तुम लोगों को लगेगा कि भाई तो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नहीं होता, लेकिन इस एनिमे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट का प्रॉस्पेक्ट है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि स्टोरी में कंट्रीब्यूशन हर एक
कैरेक्टर का है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर बस लेफ्ट आउट है और उसका स्टोरी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोरी में कंट्रीब्यूशन हर एक कैरेक्टर का है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस एनिमे में दोनों जेंडर के ही सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, स्पेशली ऑल द फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। मुझे लगता है कि माई हीरो एकेडमिया के बाद जो सबसे अच्छा फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर कास्ट है वो इसी एनिमे में है। कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंस किसी भी एनिमे में तब पता चलता है जब तुम ये देखोगे कि सोमा के जीत के साथ तुम्हें जितना फर्क पड़ता है उतना ही फर्क तुम्हें इन लोगों की हार से भी या जीत से भी पड़ता है, और यही एक बहुत बड़ा साइन है अच्छे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का, और मैंने तो ये हर टाइम फील किया है। और इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब गाइस बात करते हैं इसके एनिमेशन के बारे में। देखो ये कुकिंग एनिमे है तो कुकिंग एनिमे का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टेबल के ऊपर रखे गए फूड को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और इन सभी चीजों में जेसी स्टाफ ने बहुत ही कमाल का काम किया है। वेल मुझे पता है ऐसी कुछ जगह है जहां पे जेसी स्टाफ उतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं दिखा पाता, लेकिन भाई जेसी स्टाफ की भी खुद की एक्सपर्टीज की एक एरिया है, और शायद फूड वॉर्स यही एरिया के अंदर थी इसलिए जेसी स्टाफ ने कमाल का काम किया है फूड वॉर्स में। और रही बात म्यूजिक और ओपनिंग्स की, तो एक कुकिंग एनिमे होने के बावजूद भी तुम इसकी म्यूजिक या ओपनिंग्स जब सुनोगे तुम बहुत ही पम्प्ड अप फील करोगे। इसके कुछ ओपनिंग्स तो इतने ज्यादा अच्छे हैं कि तुम इसे नारुतो के पीछे भी चला सकते हो। यकीन नहीं होता, दिखाऊं क्या? देख लिया, अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो के एंड में मैं जो हमेशा कहता हूँ वही कहना चाहूंगा कि देखो दुनिया में बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि आज जो चीज बेस्ट है कल उससे कोई बेटर हो जाता है, लेकिन अगर कोई भी चीज ओरिजिनल और डिफरेंट हो तो उसे सभी याद रखते हैं, और ये शो बिल्कुल वही है। ये ओरिजिनल भी है और दूसरों से डिफरेंट भी है, और यही सोल रीजन है कि लोग फूड वॉर्स को इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर तुम लोगों ने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा है तो तुम लोग भी इसे पसंद करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जब देखोगे तब पसंद करोगे। मेरा मतलब इसका शोनन एलिमेंट, एचीनेस, कैरेक्टर्स, सब कुछ लेके फूड वॉर्स एक कमाल की रेसिपी है। और हाँ एक बात, अगर तुम भूखे हो तो फूड वॉर्स कभी मत देखना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओके तो गाइस अगर आप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार नीचे आकर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। और यार हम लोग को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, हम लोगों से अगर बातचीत करना है तो वहां पे भी मैसेज कर सकते हो, हम लोग हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो बस अब मैं चलता हूँ, तुम सब अच्छे से रहना, सायोनारा। अरे लगता है कोई फिर से मैगी बना रहा है। हाँ लग तो रहा है रजत।